लड़ाई लड़िए। आप तानाशाही सरकार के खिलाफ आप अपनी जंग जारी रखिए। बस आप शिक्षा की चिंता मत करिए, शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चों को शिक्षा हम दें। निर्देश जी, हम अक्सर एक महान पुरुष की कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं कि एशन विद्या न तपो न दानम। क्या क्या करने आए थे फिर? ट्रंप के चुनाव प्रचार में हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों गए थे हाथी लाने के लिए? क्या है मांगने गए? या कोई कीटनाशक दवाई छिड़क डाली है भारत के ऊपर जो सारे कीड़े बिलबिला करके इधर उधर भाग रहे हैं? इस पाठशाला के तंबू को गड़वाने के लिए इस आंदोलन के सभी भाइयों ने सहयोग दिया, किसी ने पन्नी दी है, किसी ने बांस दिया है, किसी ने रस। अभी तो हम लोग प्रस्तावना के जो जो शब्द हैं उन शब्दों के अंदर की सारी व्याख्यान समझा रहे हैं लोगों को, कि हर शब्द का एक मतलब है और हर शब्द के पीछे। नमस्कार, आज है हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन है काफ़ी मजबूती के साथ में डटा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर राज्य के लोग आ रहे हैं, हर भाषा, हर क्षेत्र, हर जाति से संबंध रखने वाले लोग भी आ रहे हैं, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर माता सावित्रीबाई फूले पाठशाला चल रही है। और किसान आंदोलन में एक पाठशाला चलती है तो उसका एक अपना ही महत्व होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आंदोलन में आने वाले बहुत सारे लोग हैं और वो लगातार 2 महीने से यहाँ पर डटे हुए, उनके साथ में बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको लेकर चलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन में माता सावित्रीबाई फूले पाठशाला का क्या उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं और जिस तरह से यहाँ पर कुछ गीतों के माध्यम से गुनगुना भी रहे हैं, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो 48 में फूले ने आगाज किया, सावित्री बाई फूले ने हर नारी को आवाज दिया। 1848 में फूले ने आगाज किया, सावित्री बाई फूले ने हर नारी को आवाज दिया। घर घर जाकर हर नारी को, घर घर जाकर हर नारी को दिया किताबी ज्ञान। बाबा का पैगाम ये है फूले का पैगाम, बाबा का पैगाम ये है फूले का पैगाम, बाबा का पैगाम ये है फूले का पैगाम। जैसा कि मैंने आपको अभी परिचित कराया था कि यहाँ पर माता सावित्री बाई फूले जो महासभा है उसके तहत एक पाठशाला चल रही है, और किसी भी आंदोलन में अक्सर ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जब पाठशाला का नाम आते ही अपने आप में जुड़ जाता है शिक्षा, जिसकी बात बाबा साहब करते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो हमारे साथ में यहाँ पर निर्देश जी, उनसे जानना चाहेंगे। निर्देश जी, जो माता सावित्री बाई फूले जो पाठशाला आप यहाँ पर सुचारू रूप से चला रही है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जैसे आपने अभी कहा, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगी, NB चैनल और बहन नीलम गौतम जी आपका, कि आप आई हैं, आपका और आपकी टीम का स्वागत है। जैसे पाठशाला आपने खुद अभी डिफाइन किया, जैसे ही पाठशाला का नाम आता तो उससे इंडिकेट होता है कि शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा चल रही है। ये पूरे आंदोलन की एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर शिक्षा की बात की जा रही है, जहाँ पर शिक्षा का प्रचार हो रहा है, जहाँ पर शिक्षा से संबंधित बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को जो है ज्ञान दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग भले ही लड़ रहे हैं, आंदोलन में आप आए हुए हैं, लेकिन आपके बच्चों की शिक्षा हम लोग खराब या पीछे नहीं रहने देंगे, उस शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ तैयार बैठे हैं। आप लड़ाई लड़िए, आप तानाशाही सरकार के खिलाफ आप अपनी जंग जारी रखिए। बस आप शिक्षा की चिंता मत करिए, शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चों को शिक्षा हम दें। निर्देश जी, हम अक्सर एक महान पुरुष की कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं कि एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम, गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भारा भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, जो दान नहीं करते, जो तप नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति घूमते हैं। तो आज जो एक शिक्षा का दान आप यहाँ पर कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं और ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? देखिए, मोटिवेशन तो हम लोगों को, हमें प्रेरणा पहले से ही माता सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इन लोगों से मिलती रही है, और जो आइडिया है वो हमारी बहुत बड़ी टीम का है, और इसके पीछे मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत बड़ी टीम खड़ी है जो शायद दृश्य अदृश्य रूप से इसको चलाती है, तैयार करती है और पीछे से आइडियाज़ देती है, हम लोग ज़मीन पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं मुख्य रूप से हमारे बीच में यहाँ संचालक जो कर रहे हैं इस पाठशाला का, मैं तो लगातार मीडिया के साथ भाइयों के साथ यहाँ बिजी बहुत रहती हूँ, लेकिन संचालन जो कर रहे हैं हमारे देव कुमार भाई इसको देख रहे हैं, और क्रांति जी यहाँ पर रहती हैं इसकी देखभाल के लिए, बहुत बड़ी टीम यहाँ पर है, रोहित कुमार हैं, एक राधा भारती जी हैं, तो ये पूरी टीम का ही आइडिया था और पूरी टीम ने ही इसको ज़मीनी हकीकत देने के लिए यहाँ पर मेहनत की है, ये सब बनाने में बड़ी मेहनत की है। और खुशी की बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं हमारे सिख समाज के भाई, यहाँ पर और भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब ने स्टैंड को खड़ा करने में कहा कि एक एक बंबू उगाड़ेंगे तो पाठशाला तैयार हो जाएगी, आप चिंता क्यों कर रही हैं, हम पाठशाला को बनाएंगे, क्योंकि हवा और तूफान आ गया था परसों, पाठशाला गिर गई थी, ये टेंट हमारा गिर गया था, लेकिन यहाँ के सारे भाइयों ने कहा कि बहन हिम्मत ना हारो, कि भैया बिल्कुल हिम्मत ना हारो, हम सब लोग जब एक एक बंबू लेकर खड़े हो जाएंगे तो तंबू तो खड़ा होने में 5 मिनट लगेंगे, और वैसे ही हुआ, दोपहर तक जो है फिर से पाठशाला खड़ी हो गई और हम लोग आज यहाँ फिर से बैठे हुए हैं। जी, आपके हौसलों में अगर उमंग है और ऊंचाइयों को छूने का एक जज्बा है तो कोई भी आपको किसी भी तरह की ताकत या बाधाएं नहीं रोक सकती। निर्देश जी, जिस तरह की पाठशाला आप चला रही हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आप इसमें स्कूली शिक्षा का ज्ञान दे रही हैं या कुछ अन्य शिक्षा है या जो लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है? देखिए, जो बच्चे किसान आंदोलन में आए हुए बच्चे हैं उनको तो हम जो स्कूली शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों के पास किताबें हैं, उनके हमें पता है स्टैंडर्ड कौन कौन लेवल का बच्चा है, उसके हिसाब से हम उसको पढ़ा रहे हैं। और रही बात इसके बाद, तो हम लोगों ने ये पाठशाला में संविधान पाठशाला भी खोली हुई है, हम लोग संविधान की जानकारी देते हैं, जैसे कि बोर्ड पर लिखा है संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है, आज कल की क्लास थी ये हमारी और आज शाम को रहेगी, शाम को क्लास होती है यहाँ पर, यहाँ लेक्चर होता है संविधान पर। अभी तो हम लोग प्रस्तावना के जो शब्द हैं उन शब्दों के अंदर की सारी व्याख्यान समझा रहे हैं लोगों, क्योंकि हर शब्द का एक मतलब है और हर शब्द के पीछे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, तो उसको हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़ों को, महिलाओं को जो है संवैधानिक जानकारी दी जा रही है। आपने संविधान की बात करी और संविधान इस देश के जो एक मैं कहूँगी कि महान विभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया, और उस संविधान को लिखने के लिए उन्होंने जितना समर्पण त्याग बलिदान किया वो हर व्यक्ति को पता है, लेकिन हम क्या बात है कि आज आंदोलन जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं तो कतराते नजर आते हैं। देखिए, कतराने का कारण यही है कि लोग जागरूक नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानते नहीं है, और हमने जो ये पाठशाला का आयोजन किया है वो इसी उद्देश्य से किया है कि सही चीज़ों को लोग जानें, सही महापुरुषों की पहचान करें। ये बहुसंख्यक लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे देश का मुद्दा है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे केवल एक ही विचारधारा के लोग नहीं हैं, यहाँ पूरे भारतवर्ष का आप देखेंगे कि हर कदम पर हर तीसरे आदमी की विचारधारा अलग मिलेगी, तो उन लोगों के बीच में सही चीज़ ले जाने का हम काम कर रहे हैं। पाठशाला खुल चुकी है, यहाँ से शुरुआत हो गई है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर और सारे महापुरुषों की तस्वीरें आपको यहाँ देखने मिलेंगी और सब जगह मिलेंगी। मंच पर संविधान की जो है फोटो नहीं थी, तस्वीर नहीं थी, सबकी तस्वीरें थी, अब संविधान की तस्वीर पहुँच चुकी है, कुछ हमारे जो अंबेडकर राइट लोग हैं भारत के अंदर जो मानवता को मानने वाले लोग हैं उन लोगों ने, प्रदीप अशोक जी हैं, कुछ मेरठ के लोग हैं, शायद मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, 4-5 लोगों ने आकर के, और पूरी कम से कम 100-150 लोगों ने आकर के पूरी टीम ने यह दिया है, उनको साधुवाद ज्ञापित करूंगी। और कुछ लोगों ने जो है बाबा साहब अंबेडकर की फ़ोटो भी भेंट की है और राकेश टिकैत जी ने उसको बड़े सम्मान से सीने से लगाया है और उसको एक्सेप्ट किया है, तो ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है उनको हम दूर से बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता नहीं है, जब हमें नहीं पता था तब हम भी इसी आइडियोलॉजी को समझते थे, हम भी नहीं जानते थे, केवल इतना पता था कि संविधान सभा समिति के वो केवल एक सदस्य थे, अध्यक्ष की भी इतनी जानकारी नहीं थी कि इतनी मेहनत की थी, जिस बंदे ने 2 साल 18 महीने 11 दिन पूरा रात जग कर इतने बड़े संविधान को जो है रूपरेखा तैयार की और भारत को सौंप दिया, तो हमें भी जानकारी नहीं थी, तो हमें भी कोई पूछता तो हम भी क्या बता पाते या उनकी तस्वीर कैसे लगाते हैं। निर्देश जी, आपने जो पाठशाला शुरू की है, मैं ये जानना चाहूँगी और खासकर हमारे दर्शक भी जानना चाहें कि आपने इसका नाम माता सावित्रीबाई फुले ही क्यों रखा? देखिए, देश की प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, ये तो गर्व की बात होनी चाहिए, और माता सावित्रीबाई फुले ही क्यों रखा, इस सवाल का जो जवाब वो ये है कि शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले है, तो सर्वप्रथम हमारे लिए वो शिक्षा का जब भी बात आएगी, और फिर एक महिला अगर शिक्षा की बात करेगी तो, और मेरे जैसी महिला जिसने पढ़ा हो, सच और गलत को पढ़ लिया हो, तो वो किसका नाम लेगी। जी, माता सावित्री बाई फूले हैं, उनके संघर्ष समर्पण बलिदान को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी और खासकर जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या महत्वपूर्ण उस समय परिस्थितियाँ रहती या विपरीत परिस्थितियाँ थी जिस समय एक बहुजन समाज की महिला निकल कर आती है और जो एक शिक्षा की अलग जगाती है वो अलग, जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लोहा लेने का काम करती है, इस पर क्या कहना है? देखिए, उस वक्त
जो हम कहेंगे ना मनुवादी ब्राह्मणी विचारधारा इतनी हावी थी देश के अंदर के इससे बाहर निकल पाना पितृसत्तात्मक सोच जिसको हम कहते हैं पैट्राइकी सिस्टम, उसके अंदर महिला इतनी बुरी तरीके से पीसी हुई थी कि दलन की हुई थी, उसको उसको होश ही नहीं था कि इसके ऊपर भी उठा जा सकता है। सावित्रीबाई फूले के पास ही विचारधारा नहीं आती कि मैं इन इन खोखली परंपराओं से लड़ूं, इनके ऊपर उठ करके स्कूल की ओर जाऊं या स्कूल की ओर महिलाओं को ले जाऊं। उनको अगर ये विचारधारा मिली तो ये भी एक पुरुष की देन है और वो पुरुष उनके पति ज्योतिबा फूले हैं। तो उनको विचार दिया गया और मजबूती से उनके पति ने साथ दिया। मैं आज सभी पुरुषों से कहना चाहूँगी, देश के समस्त भाइयों से मैं अपील करूँगी कि हर घर में सावित्रीबाई फूले तैयार हो सकती है यदि आप ज्योतिबा फूले बनने के लिए तैयार हैं तो। बिल्कुल, 21वीं सदी का भारत और बाबा साहब के वो सपने और जिस तरह से इस संविधान को उन्होंने संजोने का काम किया, एक एक अधिकार, मैं खासकर महिलाओं की बात करूंगी, उनको उन्होंने उनके लिए सुनिश्चित किए इस संविधान में। लेकिन आज ऐसी क्या बात है कि 21वीं सदी में होने के बावजूद भी महिलाएं अपने आप को पुरुष के अधीन समझती हैं? देखिए, पैट्राइकी सिस्टम थोड़ी खत्म हो गया है भाई, संवैधानिक अधिकार मिले हैं महिलाओं को, लेकिन वो जमीनें कितने हैं? अभी जमीनें कितने मिले हैं? संपत्ति का अधिकार हम लड़की के घर से ही शुरू कर ले, जहाँ से वो जन्म लेती है वहाँ पर उसको प्रॉपर्टी का राइट्स है। कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको जो है संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा है, उनको बराबर का हिस्सा दिया जा रहा है। यदि चार बहन भाई हैं तो चारों में इक्वल उसको बांटा गया है, नहीं होता है। लड़की को केवल दहेज दिया और सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पीछे छुड़ा लें, 17-18 साल की हुई नहीं कि भाई पराए घर का कूड़ा है, इसको जल्दी भेजें और हम छुट्टी पा लें। और उसके बाद वो लड़की पूरी ज़िंदगी प्रताड़ित होती रहती है, उसका पूरी ज़िंदगी उसको यही पता नहीं चलता कि मेरा घर कौन सा था। पिता के घर थी तो कहा गया भी अपने घर जाओगी, यहाँ तो पराया घर का कूड़ा, 18 साल 19 साल तक यहाँ पर हो। पति के घर जाती है, कोई ज़रा सी दिक्कत हो जाए, कोई उससे गलती हो जाए तो कहते हैं तो अपने बाप के घर उठा और सामान निकल ले लेकर यहाँ से, ये तेरे बाप का घर नहीं है। तो अभी तक अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल में महिलाओं को विशेष अधिकार थे, यदि वो इम्प्लीमेंट हो जाते ज़मीन पर, तो हो सकता था कि आज महिलाएं पुरुषों के अधीन ना मानती अपने अपने आप को। मैं नहीं मानती, आप नहीं मानती, क्योंकि आप आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, आपके पास अर्थ है, तो आप अपने खाने का इंतजाम खुद कर सकती हैं, अपने लिए छत इंतजाम कर सकती हैं, तो आप किसी के अधीन नहीं रहेंगी। तो महिलाएं आज भी जितनी भी देश की संपत्ति है, ज़मीन की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, तो 2% लैंड भी जो है महिलाओं के नाम पर नहीं है। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ अगर उस समाज की महिलाएं जागरूक है। तो आपने बात करी यहाँ पर कि आप जो शिक्षा है उसको देने का काम कर रही है, और खासकर आपने संविधान की बात करी कि यहाँ पर संविधान पढ़ाया जाता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन आते हैं? देखिए, यहाँ पर संविधान को मानने वाले लोग आते हैं, दिन भर 100 से 150, 200, 250 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सुबह 11 से रात के 11 बजे तक यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, और हमें शिक्षकों की भी कमी नहीं है। बहुत सारे जागरूक लोग आते हैं, हमसे कहते हैं कि हम लेक्चर देना चाहते हैं, आपकी क्लास में फ्री सेवा देना चाहते हैं। तो लोग इतने खुश हैं कि खुद अपने आप से यहाँ पर हमें टीचरों की, मतलब हम वो हमसे टाइम मांग रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं कि भाई, क्योंकि हमने एक भाई को कल लेक्चर के लिए बोल दिया, उनका लेक्चर होगा आज, प्लीज़ आप होल्ड करें, कल आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर ना तो टीचरों की कमी है, ना यहाँ पढ़ने वालों की। यहाँ पूरा एक गाँव बसा हुआ, यहाँ से वहाँ तक आप देखें कई किलोमीटर दूर तक। किसान आंदोलन में इस तरह की पाठशालाएं कितनी सफलता की तरफ लेकर जा सकती हैं इस आंदोलन को? देखिए, पहली सफलता तो यह है कि यह पाठशाला के नाम से तंबू गड़ा हुआ है, ठीक है, और इससे बड़ी सफलता यह है कि इस पाठशाला के तंबू को गड़वाने के लिए इस आंदोलन के सभी भाइयों ने सहयोग दिया। किसी ने पन्नी दी है, किसी ने बांस दिया है, किसी ने रस्सी दी है, किसी ने त्रिपाल दिया है। तो ये सबसे बड़ी सफलता है कि इसी आंदोलन के लोगों ने इसको तैयार करवाया है। भले आइडिया हमारा था, लेकिन इसमें सभी का योगदान है, आंदोलन में आए हुए लोगों का। जी, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, और जब वो घड़ा बनता है तो वास्तव में उसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। तो यहाँ पर हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग हैं, और एक तरह से कहे कि एक माला बनाने के लिए उसमें हर तरह के फूलों को संजोया जाता है, तब जाकर एक बहुत सुंदर माला बनती है। और जो शिक्षा की अलख आपने यहाँ पर जगाई है, वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं। हम मंगल कामनाएं करते कि इसी तरह से आप इस पाठशाला को लगातार बढ़ाते रहें।